नमस्कार दोस्तों, AKTU रिज़ल्ट 2023 के तहत आपको बता दूं कि कल की डेट में शाम को एक रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया AKTU की तरफ से। साथ ही छात्रों का जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, भर भर के मैसेज आने लगा कि सर क्या है एक्चुअल माजरा और COP का रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि 17 तारीख का डेट बीत चुका है। मैंने आपको याद होगा पिछले वीडियो में बताया था, दूसरे वाले वीडियो में पिछले के, कि 17 तक रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो हुआ यूँ कि 16 को भी रिज़ल्ट आया, 17 को भी रिज़ल्ट आया। आज जो डेट है वो है 18 अगस्त 2023, और सवाल इसमें है कि COP का रिज़ल्ट कब आएगा, इस पे आपका क्या कहना है, सारी चीज़ों पे बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। समझ रहे हो, सभी लोग सब्सक्राइब कर दो जितने लोग देख रहे हो, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको तो क्या हुआ कि कल शाम को 17 अगस्त को क्या हुआ था भाई, MTech पाठ्यक्रम के जो प्रथम वर्ष के छात्र थे, फर्स्ट ईयर के, उन छात्रों के रेगुलर का रिज़ल्ट जारी हुआ। तो ऐसे करके MTech है, MPharm है, फिर BTech थर्ड ईयर, BPharm थर्ड ईयर, अभी रेगुलर के ऐसे ऐसे क्रम में BR के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी छात्रों का रिज़ल्ट बचा हुआ है। ये तो हो गई आपका किसकी बात, रेगुलर के रिज़ल्ट की। अब बात करें कि COP का रिज़ल्ट कब आएगा, तो कहा जा रहा है कि 19 तारीख, आज 18 है कल 19, तो कल की डेट में आपको COP के रिज़ल्ट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। समझ गए। और COP के रिज़ल्ट के बारे में अपडेट यही है कि सारी कॉपियां चेक की जा चुकी हैं, मार्क्स अपलोडिंग का काम चल रहा है। जब भी AKTU रिज़ल्ट जारी कर दे, जब भी अपलोडिंग का काम ख़त्म होगा, रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जैसे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले इतलाक कर दूँगा। बशर्ते, शर्त क्या है कि भैया आप लोग जुड़े रहोगे तभी जान पाओगे। जुड़ोगे कैसे, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें। इसके पहले कल की डेट में आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था कि भाई फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को क्या टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, स्पेशल कैरी ओवर के बारे में भी बात किया है। छात्र सवाल कर रहे हैं कि सर COP की कॉपियां कैसे चेक हुई हैं। तो देखो, रेगुलर और COP दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं, रेगुलर की जो कॉपियां हैं वो एवरेज प्लस चेक हुई हैं, वहीं COP की जो कॉपियां हैं वो आपका थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा चेक हुई हैं, यानी कि छात्रों के पक्ष में हैं। अगर उन्होंने अच्छे से लिख दिया होगा तो आराम से पास हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये तो हो गई भाई कॉपी चेकिंग का। रिज़ल्ट का भी मैंने बता दिया कि कहा जा रहा है कि 19 तारीख के बाद से रिज़ल्ट आना शुरू होगा, तो आई थिंक कल आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है COP का। समझ गए। चलिए, बाकी का आने वाले समय में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा सारी चीज़ों को यहीं पे मैं कवर करूंगा। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।